आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बढ़ती महंगाई पर सरकार का एक और वार। जी हाँ, सात कॉमोडिटीज के वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कॉमोडिटी वायदा बाजार को लेकर। सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने सात कॉमोडिटीज के वायदा की ट्रेडिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर अब तक की कॉमोडिटी बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सेबी ने आदेश दे दिए हैं और सभी कॉमोडिटीज के ऊपर, यानी सात ऐसी कॉमोडिटीज हैं जिन पर एक साल के लिए सेबी की तरफ से रोक लगा दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि महंगाई इससे काबू में आ जाएगी और सरकार ने सात कॉमोडिटीज के वायदा पर रोक लगा दी है। चावल, गेहूं, सरसों और इसी के साथ चना, मूंग, कच्चा पाम और सोयाबीन ऑयल जैसी कॉमोडिटी के वायदा कारोबार पर एक साल के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी अब नए वायदा लॉन्च नहीं किए जाएंगे, जो पुराने सौदे हैं उनको काटने की फिलहाल अनुमति होगी, लेकिन कोई भी नया सौदा खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इन सात कॉमोडिटीज की वायदा ट्रेडिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। कॉमोडिटी बाजार में हलचल देखने को मिल रही है और जबरदस्त बाजारों में गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर सभी खाद्य तेलों में जोरदार गिरावट आई है और इसी के साथ खाद्य तेलों के साथ साथ दूसरी कॉमोडिटीज के वायदा पर भी इसका असर देखने को मिला है। सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए सात कॉमोडिटीज के वायदा पर फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि कंज्यूमर इन्फ्लेशन 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसीलिए सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए सात कॉमोडिटीज के वायदा पर रोक लगा दी है। आगे चुनाव है, चुनावों के मद्देनजर, चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि गेहूं, कच्चे पाम तेल, मूंग और कुछ अन्य जिंसों में नए डेरिवेटिव अनुबंध शुरू नहीं करने का निर्देश सेबी की तरफ से दे दिया गया है। पहले से चल रहे अनुबंधों के संबंध में कोई भी नया सौदा करने की नहीं अनुमति दी जाएगी। वहीं पहले से चल रहे सौदों को पूरा करने की अनुमति फिलहाल दी जाएगी। बयान के मुताबिक ये निर्देश एक साल के लिए मान्य होंगे। फिलहाल एक साल के लिए इन सात कॉमोडिटीज के वायदा पर रोक लगती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कॉमोडिटी बाजार में कैसी हलचल देखने को मिलेगी। क्या एक बार फिर से कॉमोडिटी बाजार धराशायी होता दिखाई देगा? क्या सभी कॉमोडिटीज में एक बार फिर से गिरावट हावी होती दिखाई देगी? क्योंकि सरकार के इस तरह से एकदम से लिए गए फैसले का असर दूसरी कॉमोडिटीज के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। बहरहाल कॉमोडिटी बाजार में काफी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सरकार के इस फैसले के बाद से सभी कॉमोडिटीज में लाल रंग के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक की कॉमोडिटी बाजार को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एकदम से सात कॉमोडिटीज के डेरिवेटिव के वायदों के ऊपर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इन जिंसों में एक साल की शुरुआत में एक साल तक, यानी कि इन वायदा के जो अनुबंधों पर रोक लगाई गई है एक साल तक ये मान्य होंगे और इन जिंसों में डेरिवेटिव अनुबंधों को इस साल की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था। पहले ही कुछ कमोडिटीज को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से सरकार का यह आदेश कि नया कोई भी अनुबंध लॉन्च नहीं किया जाएगा। अब ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा, कोई भी नया सौदा नहीं कर पाएगा। पुराने सौदों को फिलहाल खत्म करने की अनुमति होगी, लेकिन कोई भी नया सौदा खड़ा करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।